हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आपका लर्निंग जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे थे, कुछ वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, हमारे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आने में प्रॉब्लम हो रही थी हमें। खैर, अभी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं तो मैं फिर आपसे ऐसे ही मिलते रहूँगा। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का लास्ट कुछ कमेंट्स में हमने पढ़ा कि, और हमारे जो लिंक के थ्रू क्वेश्चन आते हैं उसके थ्रू भी मैंने देखा कि एक क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास बहुत सारे व्यूवर्स के, कि अपने डेस्कटॉप को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम टॉप 5 स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने स्क्रीन को, मतलब अपने डेस्कटॉप को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करके उसमें वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टॉप 5 स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज करेंगे, चलिए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि किस तरह से हम स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम टॉप 5 स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है लेकिन हम यहाँ पर 5 ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो फ्री है और जो अगर यूट्यूबर बिगिनर हैं तो उनके लिए ये यूजफुल हो सकता है। होता ये है कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी अभी यूट्यूब में चैनल क्रिएट किए हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि कोई भी कॉस्टली सॉफ्टवेयर हम परचेज कर सकें और करने के बाद हम उसे यूज कर सकें। तो आप इस 5 में से कोई भी एक चूज करके आप इसे यूज कर सकते हैं और जब आपके पास यूट्यूब से अर्निंग होने लगे तो आप परचेज कर सकते हैं कोई बहुत ही अच्छा मतलब एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो हम यहाँ पर 5 एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि फ्री है और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में जाते हैं और ब्राउजर में आने के बाद हम यहाँ पर गूगल में आ जाते हैं। गूगल में आने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। तो चलिए टाइप कर लेते हैं। इन 5ों हम जो सॉफ्टवेयर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से भी जाकर इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर टाइप कर लेते हैं आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर और सबसे पहला जो लिंक है इस पे हम क्लिक करके इसे हम डाउनलोड करेंगे। इसका प्रो वर्सन भी आता है तो इसे अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम फ्री में ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 49.03 मीन्स नियर अबाउट 49 MB का ये एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड करेंगे, फिर इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे कैसे इसे यूज करते हैं। ये आपके डाउनलोड के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनेट के स्पीड के ऊपर कि कितनी जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी। तो चलिए डाउनलोड होते ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कैसे इसे यूज करते हैं। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये डाउनलोडिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम ओपन पर क्लिक करके इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना लैंग्वेज चूज कर लेंगे जैसे कि इंग्लिश है, ओके करते हैं, ये एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट और यहाँ पर डेस्कटॉप पर रहने देते हैं और ये क्विक शॉर्टकट भी और कोडेक इंस्टॉल करना है, चलिए नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए हम लॉन्च पर रहने देते हैं और फिनिश करते हैं, ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ पर कैप्चर वीडियो पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन मतलब हम सेलेक्ट कर लेंगे कितना स्क्रीन को हमें रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एक और अच्छी बात है कि आप इससे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर के, हर सॉफ्टवेयर के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो इसके जो कमी है वो है ये कि इस एप्लीकेशन से आप 10 मिनट ही इसे मतलब अपना स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्री वाला है सॉफ्टवेयर है तो इसमें 10 मिनट भी बहुत है। आप 10 मिनट का, अगर आपका वीडियो साइज ज़्यादा आपको रिकॉर्ड करना है तो 10-10 मिनट के आप पार्ट पार्ट में रिकॉर्ड करके एक साथ मर्ज कर सकते हैं अपने वीडियो को वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर में। तो 10 मिनट भी बहुत ही अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10-10 मिनट का काम बार बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको जब जैसे ही अपना कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे तो
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, तो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम जो करते हैं वो फुल ही करते हैं हमेशा, तो आप भी फुली अगर करना चाहते हैं तो फुल पर स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, और अगर एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कस्टम एरिया पर क्लिक करके फिर आप जितना आपको चाहिए एरिया उतना आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप फिर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपको फुल चाहिए तो आप फुल स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, आपका स्क्रीन फुल रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह आपका स्क्रीन को सेलेक्ट करने के बाद आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रिकॉर्ड बटन है, आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे हमें रिकॉर्ड करना है तो सिंपली हम रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। चलिए हम रिकॉर्ड करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप अपना वेबकैम, अपना माइक और अपना स्पीकर मतलब सिस्टम साउंड, ये तीनों को एनेबल कर सकते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं और रिकॉर्ड कर आपको दिखाते हैं। ये अगर ऐसा मैसेज आता है तो आप डोंट शो दिस मैसेज अगेन पर क्लिक कर देंगे, अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है और इसे क्लोज कर देंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ शॉर्टकट दिखा रहा है कि अगर आपको टूल बार शो करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एच करना है, और ड्राइंग पैनल चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट डी करना है, रिकॉर्ड एंड पोस्ट के लिए आर, और स्टॉप के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस करना है। तो ये शॉर्टकट आप याद रखेंगे, और अगर नहीं दोबारा देखना है आपको तो डोंट शो दिस मैसेज अगेन पर क्लिक कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो चलिए हम इसे ओके करते हैं, और ये काउंट डाउन शुरू हो गया, 2 1 एंड रेडी। तो अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर हम अभी कुछ भी करते हैं अपने सिस्टम में तो ये सारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो रिकॉर्ड हो रही है। तो कंट्रोल शिफ्ट अगर डी करते हैं हम तो ये हमारा टूल बार आ जाता है, तो हम इस टूल बार कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सी कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है। यहाँ से आप देखिए, ये आप चाहें तो आप किसी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। क्लियर ऑल पर क्लिक करके हम पूरी को क्लियर कर दिए। तो अगर आप चाहते हैं इसे यूज करना तो यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसे कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करते हैं, ये स्टॉप हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी फाइल नाम डी डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अभी देखिए ये सेव हो चुका है। कहाँ हुआ है? सी यूजर इमरान आलम डेस्कटॉप, और ये WEBM फॉर्मेट में ये सेव हुआ है। तो हम इसको बंद कर देते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर को, और क्लोज कर देते हैं। प्ले करने के बाद ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये प्ले भी हो गया। हाँ, अगर आपका ये WVM फॉर्मेट जो है, अगर आपके रिकॉर्डिंग में मतलब अपने एडिटर में, आपके सॉफ्टवेयर जो है एडिटिंग करने के लिए, उसमें अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन भी वेबसाइट है, और बहुत सारे ऑफलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, तो आप उसे किसी का भी यूज करके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं जल्दी फ्री में कन्वर्टर, फ्री कन्वर्टर के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और चलिए दूसरे हम एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है आई स्प्रिंग स्क्रीन रिकॉर्डर। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं गूगल में, और गूगल में आने के बाद से हम यहाँ पर टाइप करते हैं और यहाँ पर कोई आपका ओरिजिनल ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप फ्री ईमेल आईडी मतलब सॉरी कोई भी आप फेक ईमेल आईडी डाल के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी हम यहाँ पर दिए, तो ये 22 MB मतलब नियर अबाउट 23 MB की है। तो स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। अभी देखिए ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सिंपली न्यू रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद से ये आप यहाँ से साइज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेटिंग में जाके आप शॉर्टकट भी चूज कर सकते हैं कि कैसे रोकना है, और पॉज एंड रिज्यूम कैसे करना है, डिस्कार्ड रिकॉर्डिंग कैसे करना है, माइक्रोफोन को सेलेक्ट करना है कि नहीं, रिकॉर्डिंग सिस्टम साउंड को सिलेक्ट करना है कि नहीं, सब अपने हिसाब से आप चूज कर लेंगे। एडवांस में आके भी आप देख सकते हैं। ओके करेंगे और रिकॉर्डिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलिए रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं। ये एरिया आप देख सकते हैं कि कितने एरिया को रिकॉर्डिंग कर रहा है ये। तो अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर फुल स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करके उसके बाद से रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे, और अभी काउंट डाउन शुरू हो गया, और
वन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो आप अभी हम इस कंप्यूटर में जो भी कुछ करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चालू हो चुका है, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये भी सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी आती है। ये जो आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर है उससे बेटर है। तो हमारा जो रिकॉर्डिंग खत्म हो गया तो हम इसे रोक देंगे और उसके बाद से हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखिए इसकी क्वालिटी बहुत ही बेटर है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्क्रीन रिकॉर्डर में आप एडिट भी कर सकते हैं। आप देखें तो यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन है, तो यार एडिट पर क्लिक करके आप इस वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, अपना नॉइज़ के रिमूव कर सकते हैं, अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारा फीचर्स इस एप्लीकेशन में है और ये फ्री का एप्लीकेशन है। आप चाहें तो डायरेक्ट यूट्यूब में अपलोड भी कर सकते हैं। सब कुछ होने के बाद सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसा कि आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर में था कि 10 मिनट ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अनलिमिटेड आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जब तक आप चाहें। फॉर्मेट भी इसमें WMV है, तो इसमें सपोर्ट करता है बहुत सारे, मतलब कि एप्लीकेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियो एडिटर में ये सपोर्ट करता है। तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव करें और इजी आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, रिकॉर्डिंग हो चुका है और वाटरमार्क भी नहीं आया है, और जितना देर तक आप चाहें जितना ड्यूरेशन का उतना बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। तो दूसरी सॉफ्टवेयर ये थी। तो तीसरी जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, वो है OBS, ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए मैं आप उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका ट्यूटोरियल अलग से बनाऊंगा पूरी, इस कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं स्क्रीन को। तो मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर का दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करेंगे। आप गूगल में टाइप कर सकते हैं OBS और सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला जो लिंक आएगा ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, ये फ्री का सॉफ्टवेयर है और बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड OBS स्टूडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो ये अलग से मुझे एक वीडियो बनाना होगा। तो मैं जल्दी, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, हम जल्दी इसका एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। चौथा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है कैम स्टूडियो। तो कैम स्टूडियो भी बहुत ही फ्री और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। आप उसके लिए भी गूगल में टाइप करेंगे कैम स्टूडियो और उसके बाद से आप इसे सर्च कर लेंगे और देखिए सबसे पहला लिंक जो है camstudio.org का, इस पर आ जाएंगे और आने के बाद से आप इस एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। आप ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर है। तो इसमें 10 मिनट का ही रिकॉर्डिंग आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा देर तक आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। AVI फॉर्मेट को सपोर्ट करता है ये, तो आप इसे यूज करें और देखें कि कैसी है ये, ठीक है। और उसके बाद जो पांचवा एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट का एनकोडर। माइक्रोसॉफ्ट का जो एनकोडर सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही बेस्ट है, इन सबसे अच्छा है। आप इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है माइक्रोसॉफ्ट का एनकोडर 4, एक्सप्रेशन एनकोडर 4। तो आप इसे भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं और इसे डाउनलोड करके आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल है, मैं इसके उतनी डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में जाननी है तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हमारे वीडियो की अभी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है और बहुत सारे लोग कंप्लेन है कि आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। तो भाई मैं वीडियो इसलिए लंबा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी डिटेल में बता सकूँ, नहीं तो मैं शॉर्टकट में छोड़ छोड़ के बहुत सारे बता दूंगा, फिर आपको कमेंट में बार बार मुझसे पूछना होगा कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ताकि मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ को कवर कर लूँ और पूरी तरह से डिटेल में आपको बता दूँ। खैर ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। और यहाँ पर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पर पांच सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया हूँ। पहला जो है वो है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर, दूसरा जो है वो आई स्प्रिंग स्क्रीन रिकॉर्डर है, उसके बाद से OBS है, उसके बाद से कैम स्टूडियो एंड माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्रेशन एनकोडर 4 है। तो मैंने दो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल में बता दिया और उसके बाद से OBS है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करें, हम इसके बारे में इसके लिए एक अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे। और कैम स्टूडियो जो है वो बहुत ईजी है, आप इसे भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट जो है एनकोडर 4 वो भी बहुत ईजी है, उसे भी आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इसे यूज करें। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे कमेंट पर पूछें, हम जरूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि अगर
आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको ये टॉप 5 में से कोई एक सॉफ्टवेयर जरूर ही पसंद आएगा और आप इसे यूज करके अपने वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।